हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग गुड। सो गाइज, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डॉट एंड की के वाटरमेलन मॉइस्चराइजर का रिव्यू, क्योंकि ये प्रोडक्ट मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, लाइक ऑलमोस्ट 20 डेज हो गए हैं। एंड आपको पता ही है कि मैं अपने चैनल पे ऐसे ही उठ के कुछ भी रिव्यू शेयर नहीं करती हूँ। मैं एक प्रोडक्ट को अच्छा टाइम देती हूँ, अच्छे टाइम तक उसे यूज़ करती हूँ एंड उसके बाद ही अपना ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये जो प्रोडक्ट है इनका वाटरमेलन मॉइस्चराइजर, ये ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। लाइक लेट मी शो यू, देख सकते हो आप, ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। तो मैंने सोचा इससे पहले कि ये फिनिश हो जाए, इसका रिव्यू शेयर करना तो भाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ऑल्सो जस्ट टू लेट यू नो, ये वीडियो एक अनस्पॉन्सर्ड वीडियो है, ये सब कुछ मैंने अपने पैसों से खुद परचेज करा है। नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो गाइज, ये जो वाटरमेलन मॉइस्चराइजर है, कुछ इस टाइप की आउटर पैकेजिंग में आता है, काफ़ी क्यूट सी पैकेजिंग है। आप देख सकते हो ऑल ओवर वाटरमेलन बने हुए हैं। प्राइस की बात करें, 495 रुपीज़ प्राइस है और आपको 60 ml का प्रोडक्ट मिल जाता है। और इसके साथ एक स्पैचुला भी आता है, वो गुम गया है कहीं, आई डोंट नो कहाँ पे, जिससे कि आप स्कूप आउट कर सको प्रोडक्ट को इजीली। दिस इज हाउ द इनर पैकेजिंग लुक्स लाइक, काफ़ी क्यूट है। लाइक डॉट एंड की के सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही क्यूट होते हैं, ऐसी हैट पैकेजिंग के साथ आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है। एंड वाटरमेलन सुनते से ही ना काफ़ी ज़्यादा एक रिफ्रेशिंग सी वाइब आती है। बाय द वे, मैंने इसी रेंज का फेस वॉश भी यूज़ करा हुआ है एंड इसी रेंज का ये वाटरमेलन लिप मास्क भी मैंने यूज़ करा हुआ है। सो दिस इज हाउ द लिप मास्क लुक्स लाइक, ये भी मैंने यूज़ करा हुआ है और इसका भी मैंने रिव्यू वीडियो शेयर करा है। प्लस जो इनका फेस वॉश है वाटरमेलन वाला, उसका भी मैंने रिव्यू वीडियो ऑलरेडी शेयर करा हुआ है, क्योंकि ये सेम ही रेंज के प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। तो कुछ इस टाइप का आपको स्पैचुला मिल जाता है इसके साथ, जिससे कि आप अपना प्रोडक्ट स्कूप आउट कर सकते हो। तो ये ग्लास बॉटल है, येस यू नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल विद दिस, बट ये थोड़ा हार्ड ग्लास है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार अगर गिर गया तो टूट जाएगा बॉटल, ऐसा कोई इशू इसके साथ नहीं। तो अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ, तो इसका मेन जो इंग्रेडिएंट है वो वाटरमेलन है। वाटरमेलन में अमीनो एसिड होता है, प्लस इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स हैं लाइक पीच एंड नेटल लीफ, ये सारे काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट होते हैं। प्लस इसमें हाइलुरोनिक एसिड है। अब हाइलुरोनिक एसिड हम सबको पता है कि हमारी स्किन में वाटर को होल्ड करके रखता है, जिससे कि हमारी स्किन प्लम्पी होती है, ग्लोई होती है। एंड इसमें ग्लाइकोलिक एसिड भी है। सो जो ग्लाइकोलिक एसिड है वो ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जो ग्लाइकोलिक एसिड है वो हमारी स्किन में से डेड स्किन सेल को रिमूव करता है और हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। जैसा कि मैं देख सकती हूँ कि एक मैट मॉइस्चराइजर है, सो आई एम प्रीटी श्योर कि ऑयली स्किन वालों को ही चाहिए होगा, और ऑयली स्किन वालों को एक्सफोलिएशन की काफ़ी ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि उनके पोर्स ओपन रहते हैं और पोर्स क्लॉक हो जाते हैं। सो उसके लिए ग्लाइकोलिक एसिड बहुत ही अच्छा है। सो इसमें से ना काफ़ी मस्त सी फ्रेग्रेंस आती है, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस है या कोई इसमें एडिशनल फ्रेग्रेंस एडेड लगती है आर्टिफिशियल सी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो फ्रेग्रेंस है ना बहुत ही नॉर्मल, जैसे हम कोई वाटरमेलन खरीदते हैं उसमें से कैसी स्मेल आती है, एकदम वैसी इसमें से फ्रेग्रेंस आ रही है। और इसमें मेंशन भी है कि ये एलर्जन फ्री फ्रेग्रेंस है इसमें, ठीक है। सो आप जो इसमें फ्रेग्रेंस है उससे आपको कोई एलर्जी नहीं होगी। मेरी भी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है और मुझे इससे एज सच कोई भी यू नो साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। अगर इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें, सो इसका कलर भी आप देख सकते हो, थोड़ा सा एक पीचिश, लाइट पीचिश कलर है। और अगर इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें, सो ये एक जेल कंसिस्टेंसी में आता है, आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का जेल है। और ये बहुत ही इजीली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और एब्जॉर्ब होने के बाद स्किन को एकदम मैट कर देता है, जो कि हम ऑयली स्किन वालों को चाहिए ही होता। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये स्किन को एकदम मैट कर देता है और फेस पे कोई भी शाइन या ऑयल या ग्रीजीनेस नहीं रहती है। सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये है कि भी ग्रीजीन या चिपचिपा नहीं करता है, ये जो ऑयल है उसको कंट्रोल करके रखता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके क्लेम्स है कि ये शाइन एंड ऑयल को कंट्रोल करके रखता है, जो कि बिल्कुल सही है। देन इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, वी ऑल नो दैट, जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे ही बताया। और ये बोल रहे हैं कि इसको लगाने के बाद आपको एक सॉफ्ट पिंक ग्लो मिलता है, तो उस चीज़ से मैं अग्री नहीं करूँगी। डेफिनेटली ग्लो मिलता है, नो डाउट इन दैट, ग्लो मिलता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेचुरल सा ग्लो मिलता है, बट सॉफ्ट पिंक ग्लो तो नहीं मिलता। और इसमें और भी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, सो आप जैसे ही इसको अपने फेस पे लगाओगे ना, आपको एकदम कूलिंग सेंसेशन फील होगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा कामिंग एंड रिलैक्सिंग लगता है। एंड इट इज़ ऑल्सो बिकॉज इसमें कुकम्बर है, कुकम्बर एक्सट्रैक्ट है और पेपरमेंट ऑयल है। सो ये दोनों चीज़ें ना एक कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करती हैं। और इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताऊं, तो इसमें शुगर केन एक्सट्रैक्ट है, नेटल लीफ एक्सट्रैक्ट है, पीच एक्सट्रैक्ट है, वाटरमेलन एक्सट्रैक्ट तो है ही, हाइलुरोनिक एसिड है, ग्लिसरीन है। सो ये सब काफ़ी अच्छे मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स हैं। तो गाइज, अगर ओवरऑल बात करूँ तो ये मॉइस्चराइजर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपकी भी ऑयली स्किन है और आप ऐसे एक जेल बेस्ड
लाइट मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हो देन यू शुड गो फॉर दिस बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली ग्रेट. प्लस कोई इसको यूज़ करने के बाद कुछ भी मुझे एज सच कुछ साइड इफेक्ट नहीं हुआ है. वो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी क्योंकि ऑयली स्किन वालों के साथ यही होता है, कुछ भी फेस पे लगाओ, स्पेशली ऑयली एक्ने प्रोन स्किन कुछ भी फेस पे लगाओ तो वो ब्रेकआउट करती ही करती है. बट आई एम सो हैप्पी कि इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ एंड आई एम सुपर हैप्पी विद दिस. एनी विच वेज डॉट इन की के प्रोडक्ट्स मुझे आजकल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे से सूट हो रहे हैं एंड आई टोटली लव देयर प्रोडक्ट. तो यस गाइज, यही था इस प्रोडक्ट का रिव्यू. आज के रिव्यू वीडियो के लिए इतना ही. आई होप कि आपको रिव्यू पसंद आया और आपके लिए हेल्पफुल रहा. अगर रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू.